साथियों अभी आपने सुना रानी नागदे ने अपने पति को बहुत समझाया कि आप जैसे एक राजा को ये बात शोभा नहीं देती, लेकिन राजा खटक लग चुकी थी, माने नहीं, राजपाट छोड़ करके चल दिए और चल करके बियाबान जंगल में पहुंचे, साधु का भेष बनाया और राजा नारायण सिंह के राज में यानी कि कंचनपुर शहर के अंदर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर के पता किया कि भाई चंद किरण राजकुमारी कहां पर रहती है, लेकिन राजा को जब चंद किरण का कहीं अता पता नहीं पाया तो राजा सोचने लगे अब मर जाना बेहतर है, घर जाऊं तो किस मुंह से उल्टा जाऊंगा, रानी भी अंगूठा दिखा के हंसेगी कि लिया है, चंद किरण को बिहाने के लिए गए थे और चंद किरण मिली नहीं तो इससे मर जाना बेहतर है। राजा ने साधु के भेष में थे गांव से बाहर चिता बनाई और जीवित जल करके उस चिता में मरना चाह रहे थे, इस चिता के अंदर बैठ गए, इंतजार करने लगे आकर के कोई तेरी चिता में आग दे। एक बुढ़िया वहां से गुजर रही थी, सिर पे उपड़े रखे हुए थे कंडे, बुढ़िया ने देखा जिंदा बाबा जी चिता में बैठा है। अरे बाबा तेरे घर ना परिवार, तुझे लेने की चिंता ना देने की चिंता, तू क्यों मरना चाह रहा है, इस चिता में क्यों बैठा है, मरे हुए आदमी को तो मैंने चिता में बैठे देखा लेकिन तू जिंदा चिता में बैठा, क्या बात है। तो कहते हैं कि दोनों में से एक काम कर, दोनों में से एक काम कर, मेरा पिछला दर्द भुला दे, या तो चंद किरण का महल बता या मेरी आग चिता में ला दे, या तो चंद किरण के महल का पता बता दे नहीं मेरी चिता में आग लगा जा। बुढ़िया सोचने लगी अगर चंद किरण का महल ना बताऊं तो बाबा जी जल करके मरेगा, हत्या होगी, पाप तुझ पे भी चढ़ेगा, और चंद किरण का महल बताऊं तो चंद किरण मुझे मरवा देगी, इसलिए कहती है कि बाबा मेरे पीछे पीछे आ जा, जहां एक उपड़ा गिरा दू समझ लेना आसपास में ही चंद किरण का महल है। बुढ़िया आगे आगे और राजा मदन सेन बाबा जी के भेष में पीछे पीछे एक चौराहे पर जाकर के एक कंडा गिरा दिया। राजा मदन सेन समझ गए कि यहीं पे आसपास में कहीं चंद किरण का महल है, बस वहीं पे धूना लगा दिया, चिमटा गाड़ दिया, धूने में सामग्री खेई, धूने से धुआं निकला, धुआं चंद किरण के महल की तरफ गया। तो चंद किरण अपनी बांदी को भेज दिया कि बांदी जाकर के देख ये किस बाबा ने यहां करके धूना लगाया, इसको यहां से हटा कर क्या। वहां पर दोनों के बीच में कैसे सवाल जवाब होते, आइए। ओम भूर्भुवस्सह तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सह तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सह तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। किसने इतनी जोर से आवाज लगाई है, कौन है आप? बाली के, बाली के इधर देखो, ऊपर देखिए जरा, ऊपर नहीं दे सकता मैं, नीचे ही देख पाऊंगा क्योंकि ऊपर थोड़ी सी जो है धूप ज्यादा है। अच्छा हाँ। तो ये बताइए आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? आपको यहाँ पर दिखाई देता होगा, वैसे तो मैंने धोने में चिमटा गाड़ रखा है और मैंने इसमें सामग्री खेई है, मैं यहाँ पर अपने ध्यान मुद्रा में विलीन हूँ। ये ध्यान मुद्रा कहीं और जाकर लगाइए, समझ गया? खड़ा हो पहले, खड़ा हो, खड़ा हो। अच्छा आप मुझे खड़ा तो कर रही है लेकिन मुझे ये बताओ आप हो कौन, कहाँ से आई हो? मैं लड़की हूँ। लड़की हो तो यहाँ क्यों फड़की हो? बस फड़क गई, मेरा मन कर रहा था। इंट्रोडक्शन दीजिए पहले आप अपना, कौन हो, कहाँ से आई हो, किसने आपको भेजा है? अरे जिस राजकुमारी का ये महल है ना, चंद किरण का, हाँ जी, उसकी मैं बंदी हूँ। बंदी? बांदी, बंदी? अच्छा बांदी है, यानी कि आपको मैं पर्सनल असिस्टेंट समझूं? हाँ समझ लो। हाँ तो बांदी मुझे ये बता क्या कि दिक्कत क्या हो रही है, ये जो धुना महाराज का यहाँ लगा हुआ है। ओ महाराज, इस धुने के धुए ने ना राजकुमारी का जीना मुश्किल कर दिया। अच्छा दुविधा खंडन डाल दिया है उनके जीवन में। बिल्कुल, लेकिन ये तो शुद्ध धुआं है, ये तो धुने से उठा हुआ धुआं है, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो एक काम कर, इस धुने ने ठा और खुद भी उठो और भाग यहाँ से। ये तो ऑक्सीजन की पूर्ति करता है बाली के। हमें चाहिए ही नहीं ऑक्सीजन, ऑलरेडी बहुत सारी है। अच्छा हाँ, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए। क्या सुनिए? धुने ने हटा रे बाबा, ना
कैसा है देखो बांदी, चंद किरण के साथ में मैं शादी करने में जा ही रहा हूँ। अच्छा, तो दो फेरे तेरे साथ और तीन उसके साथ। चंद किरण से शादी करेगा तू? और अभी तो तू बाबा बन रहा है। सुन मेरी बात, आपका जो थोड़ा सा शरीर डील डॉल है, आप थोड़ा हिसाब से करे काम है। ऐसे थोड़े एक में नीचे जा पड़ेगा। लेकिन मेरी बात सुन लीजिए, शादी तो मैं जब आ गया हूँ तो करके ही जाऊंगा। अच्छा, और साथ में आपको भी लेकर के। मैं तो ना जाऊँ तेरे साथ में। सुन, फेरे हेलो, फेरे भी पांच ही गिनवाए इसने। पांच ही बहुत, रुकेगी तो पांच में भी रुक जाएगी और जो ना रुके तो फिर साथ में भी रुकने वाले नहीं। बिल्कुल, सुन मेरी बात, लेकिन तेरा फेरा एक भी नहीं होगा। सुन ले, ढूंढने ने हटा रे बाबा। अच्छा, ये ऑर्डर राज कुमारी का। पर अब राजकुमार का भी सुन ले, जीजा का। हाँ, कह दे जीजा। अरे पड़िया रहन दे के ले जा। पड़िया रहे फिर? मैं पड़िया ही ठीक हूँ, खड़िया ठीक नहीं। पड़िया रहे तू, पड़िया रहे। अरे पड़िया रहन दे के ले रहा मैं, मारिया इश्क बीमारी। पड़िया रहन दे के ले रहा मैं, मारिया इश्क बीमारी का। उत तने के अकल नहीं। अरे यो धूना जब तक ना उठे मैं देखूं उसकी शकल नहीं। महल के समी धूना ला लिया उत तने के अकल नहीं। अरे यो धूना जब तक ना उठे मैं देखूं उसकी शकल नहीं। यो धूना जब तक ना उठे मैं देखूं उसकी शकल नहीं। यही मुफ्त में मरना चाहे हो, बेशक मार दिए पहले, बेशक मार दिए पहले तू पर्दा खोल पटारी का। पड़िया रहन दे के ले रहा मैं, मारा इश्क बीमारी का। वो क्या है? एक मंदिर है, उस मंदिर में एक मूरत है। ये मूरत कैसी हो? जिस कारण वो कारण वो कारण जिस कारण जिस कारण 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 क्या है? कारण जिस कारण धूड़ा लाया, जिस कारण धूड़ा लाया वा स्वाद नहीं इब तक चखा। तेरे धूने के धुएने बाबा जीना भारी कर रहा था। और जिस कारण धूना लाया वा स्वाद नहीं इब तक चखा। जिस कारण धूना लाया वा स्वाद नहीं इब तक चखा। मने लगे तू भी आशिक से हो, मने लगे तू भी आशिक उस चंद किरण में तारी का। हम रावण ना चाहूं सू, भवरा बनना चाहूं सू उस खिलती के सर क्यारी का। पड़िया रहन दे के ले रहा मैं।
गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई, काजल लगाया रात हो गई, काजल लगाया रात हो गई, पर मिल गए नैना से नैना, ओए क्या बात हो गई, मिल गए नैना से नैना, ओए क्या बात हो गई, दिल ने दिल को पुकारा मुलाकात हो गई, दिल को पुकारा मुलाकात हो गई। तू पहला आशिक साधु से नत, साधु हर गुण गाया करे, वो ही उसका हराम ओ बांदी जिसमें मन बस जाया करे, पहला आशिक साधु से नत, साधु हर गुण गाया करे, वो ही उसका राम ओ बांदी जिसमें मन बस जाया करे, वो ही उसका राम ओ बांदी जिसमें मन बस जाया करे, एक बार बड़ा निशाना बन गया तो निशाना, एक बार बड़ा निशाना री बांदी, एक बार बड़ा निशाना री बांदी, उनने तो की कटारी का बढ़िया रहन देखे मेरा मैं किरण का, चंद किरण का हुक्म था बाबा जो तेरे को सुना दिया, अरे मर के उठ है मर के मर जा, अच्छा मरवाने बहुत राजी हो रही है, मर के उठ है कहा बाबा जो ना उसका दीदार किया, चंद किरण का हुक्म था बाबा जो तेरे को सुना दिया, अरे मर के है उठ है कहा बाबा जो ना उसका दीदार किया, मर के उठ है कहा बाबा जो ना उसका दीदार किया, सुरेश चंद तेरा वास स्वर्ग में हो, सुरेश चंद तेरा वास स्वर्ग में, मेरा ना ले तारीका, गौतम भाटी कायल से, गौतम भाटी कायल से गुरु प्रेम तेरी लहदारी का,